आप लोग इसको घर में थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, हम आप लोग को सिर्फ समझा सकते हैं, लेकिन आप लोग पढ़ना किसको है? आप लोगों को पढ़ना है। अगर आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो फिर मेरा समझाना क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना होगा। थोड़ा सा हम मेहनत करते हैं और थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक है? ताकि दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो हम लोगों का क्लास अच्छे से चल पड़ेगा, ठीक है? देखिए, साइंस कोई डरावनी चीज नहीं है, ठीक है? इसको समझने की चीज है। साइंस किसके बारे में बताता है? साइंस अपने आप के बारे में बताता है कि हम क्या हैं, है ना? हम देखते हैं तो कैसे देखते हैं? ये तो देखने की प्रक्रिया हो रही है, ये किस प्रकार से हो रही है, ठीक है? हम जो बोल रहे हैं, हमारे कंठ से आवाज़ कैसे आती है ना? हम कुछ सोच रहे हैं तो ये सोचने की प्रक्रिया कैसे होती है, ठीक है? हम जो खाते हैं, खाने के बाद फिर कुछ खाना पच जाता है, कुछ उत्सर्जन हो के फिर बाहर भी निकल जाता है मलमूत्र के रूप में, ये किस प्रकार मतलब काम करती है, हाँ? हम सांस लेते हैं हवा, फिर अंदर जाके सिर्फ ऑक्सीजन फिर रह जाता है, बाकी चीज़ें बाहर आ जाती है। फिर ऑक्सीजन हम लोग के लिए क्यों ज़रूरी है? अगर ऑक्सीजन ना मिले तो फिर क्या होगा? मर जाएंगे हम लोग। लेकिन ऑक्सीजन ही क्यों ज़रूरी है, ठीक है? अब आप लोग सभी लड़कियां हैं, है ना? सभी लड़कियों को पीरियड आता है ना? फिर लड़कियों को ही पीरियड क्यों आता है? लड़का को क्यों नहीं आता है ना? ये बहुत सारी चीज़ें हैं जी सर, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को इसका जवाब अगर दे सकता है तो वो कौन दे सकता है? साइंस, ठीक है? थोड़ा सा जोर से बोलो, इसका जवाब कौन दे सकता है? साइंस दे सकता है। आप कैसे खाते हैं, कैसे चलते हैं, हम जो आज यहाँ पे खड़े हैं, हम क्यों खड़े हैं, किस वजह से खड़े हैं? साइंस क्या? गुरुत्वाकर्षण की वजह से, है ना? अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं हो तो क्या होगा? हम लोग बैलून की तरह नाचते रहेंगे, है ना? मतलब जैसे चांद में अगर आप लोग जाइएगा तो वहाँ फुटबॉल की तरह ना यहाँ से उछल के एक पैर यहाँ रखिएगा तो एक पैर आपका कहाँ गिरेगा पता नहीं। तो हम यहाँ खड़े हैं तो किस वजह से? गुरुत्वाकर्षण की वजह से। अगर पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण नहीं होती तो शायद किसी भी चीज़ का टिके रह पाना पृथ्वी मतलब जमीन पर मुश्किल होता, ना पेड़ पौधे टिके पाते, ना कोई क्या कहते हैं बिल्डिंग रह पाता, ना हम लोग ठीक से खड़े हो पाते। तो गुरुत्वाकर्षण क्या, इसके बारे में भी पढ़ना है। आप लोग फिजिक्स में फिजिक्स का बहुत सारा चैप्टर है ना, और उसका हम लोग हर दिन दैनिक चीज़ों में मतलब अनुभव करते हैं। जैसे कि तुम लोग बस से आती होगी, बस जैसे चलती है या रुकती है तो हम लोग आगे पीछे झुक जाते हैं या फिर पीछे झुक जाते हैं ना, तो ये चीज़ें किस क्यों होती है ना? अगर आप लोग अपना दिमाग थोड़ा सा यूज करोगे तो साइंस आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, है ना? आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, साइंस को एक बोझ की तरह मत पढ़ो, उसको इंटरेस्ट लेके मतलब उसको मतलब क्या बोले उसको एक खेल खेल में उसको पढ़िए। आप लोग उसको जानने की इच्छा से पढ़िएगा तो आपको साइंस बहुत ही अच्छा लगेगा। और हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे साइंस में आगे बढ़े और मेरी तरह साइंस टीचर बने, है ना? क्योंकि साइंस टीचर की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है स्कूलों में कॉलेजों में। सब लोग अगर दूसरा ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो साइंस लेकर फिर कौन पढ़ेगा, फिर नेक्स्ट टीचर फिर कौन बनेगा, है ना? तो आप लोग, हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे सभी आगे जो आएंगे तो वो आप लोग साइंस लेके पढ़िए। और आप लोग अभी 9th क्लास में हो तो अभी ही आप लोगों को डिसाइड करना है कि आगे आप लोग क्या लेकर पढ़िएगा, है ना? आपका भविष्य अभी ही तय करना है आप लोगों को कि आप लोग किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, तभी आप लोग कामयाब हो सकते हैं, ठीक है? तो आज का क्लास यहीं तक, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके सारे डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। और आप लोग भी क्या, अरे हम पढ़ के आएंगे या हम नोट सुना के आएंगे? आप लोग पढ़ के आइएगा, बाकी बताने का काम समझाने का मेरा है, पढ़ने का काम समझने का काम आपका है, ठीक है? उसको दिमाग में रखने का भी काम आप लोगों का है, ठीक है? तो चलिए आज का क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। थैंक यू बच्चों।